10 किलोमीटर चल के आए हैं और यहाँ देखिए पूरा बाजार में पानी भरा पड़ा है, हॉस्पिटल में ही पानी भरा पड़ा है। आए हैं डॉक्टर भी नहीं मिला, सोमवार को बोल रहे हैं आएंगे डॉक्टर, बहुत दिक्कत है। हमेशा OPD में पानी लग ही जाता है, उसे पानी में रह के ड्यूटी करना पड़ता है, ऐसा स्थिति है DM की। पानी में अनेक तरह के कीड़ा चल रहा है, जैसे अभी थोड़ा देर पहले सांप चल रहा था छोटा वाला, यहाँ पर इधर से भगा के उधर गया है और उधर से कहाँ घुसा है इसका कहना मुश्किल है। हम लोग फिर भी देख के अपना काम करते हैं। पूरा पैर खराब हो जाता है, पैर में पानी लग जाता है, नोचने लगता है कि दिक्कत है इसमें, और ये हालत है। पूरा गंदगी आप देख ही रहे हैं, पूरा गंदगी है, पूरा पूरा नाला का पानी यहाँ प्रवेश करता है इस, और नाला ओवरफ्लो है, नाला की सफाई नहीं हो पाती इसलिए पानी यहाँ लगता है। DM से जितने भी डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस हैं, सारे इसी तरह के ड्यूटी कर रहे हैं। उनके भी आधे कपड़े भींगे होते हैं, जैसे तैसे खड़े होते हैं, उसी में ड्यूटी करते हैं। ये आज की स्थिति नहीं है, हर साल की स्थिति है। कोरोना के काल में इस तरह के हॉस्टल की व्यवस्था, तो कोरोना का मरीज क्या क्या इलाज होगा? साथ में कई तरह अनेकों बीमारियाँ फैलेंगी। गंदे नाले के पानी में हम लोग चल रहे हैं, ये हम लोग देख देख के थक चुके हैं। सरकार को इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है हम लोग एक डॉक्टर्स नहीं एक मजदूर हैं। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.